हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हुआ हूं नैनीताल में और मेरे साथ मेरी भांजी है। तो जो मैं नैनीताल पहुंचा तो इसकी अभी जानकारी मैंने किसी को आज दी नहीं। मैं एकदम सरप्राइज देना चाह रहा था सभी लोगों को, तो मैं पहुंच गया हूं नैनीताल। तो नैनीताल के माल रोड में घूम रहे हैं अभी। क्या बोल रहे हैं? तो अब हमारी भांजी कह रही कि कैसा लग रहा आपको बताइए। बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे मैं मामा से काफी ज्यादा गुस्सा थी, मामा यहाँ दोस्त बुलाता है। अच्छा, तो इसलिए मैं थोड़ी नाराज हूँ, तो मैं बस कम बोलूंगी, ज्यादा। अच्छा, तो भांजी कह रही कि 2 साल बाद मामा आए, तो वो कम बोलना चाह रही है, लेकिन बोलना पड़ेगा उनसे। तो अभी जीजाजी भी पीछे आ रहे हैं और भांजा भी आ रहा है। तो आज का सफर नैनीताल का शाम का सफर है, तो अभी पहुंचे 1 घंटे पहले। और ये देखिए, चहल पहल छाई हुई है, टूरिस्ट ही टूरिस्ट चारों ओर। और ये सामने सरोवर नगरी नैनीताल। तो ये देखिए, तो अभी यहाँ पर धीरे हो गए जीजाजी। जीजाजी कैसा लग रहा है आपको नैनीताल पहुँच के? ठंडा हो रहा। चलो। सो गाइज, आनंद आ ही रहा है नैनीताल घूमने में। तो शाम का समय है और जो भीड़ भाड़ है वो बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर सेल्फी भी खींचेंगे और वीडियो भी बना रहा हूँ। तो नैनीताल में पहुंच के ऐसा आनंद आ जाता है कि लग रहा है कि कहीं हम स्विट्जरलैंड है। गुड, तो मान लेते हैं। तो कभी कभी घूमना भी बहुत जरूरी है। तो आज का थोड़ी टेंशन में था, तो मैंने कहा घूम लेते हैं। तो अब यहाँ से मैं इसके बाद निकलता हूँ सीधे दिल्ली को। तो आप लोगों को दिल्ली की भी कुछ झलकियाँ दिखाऊंगा सभी लोगों को। हम तो देखी हाँ। तो दोस्तों, अभी वीडियो बना रहा था, फोटो भी खींच रहा था। तो हमारे भांजे हो गए और भांजी ये कह रहे हैं कि जो आपका फोन है उतना अच्छा नहीं चल रहा, इसको ताल में बदल दीजिए, इसको बदल दो ताल में। तो ऐसा नहीं हो सकता है, अब मैं फेंकने जा रहा हूं। तो अभी तो नहीं फेंक पाऊंगा मैं, तो फेंक नहीं यार, अभी नहीं फेंकूंगा यार। तो और ये देखो, यहाँ पर जो भुट्टे होते हैं, भुट्टे भी भुट्टे जा रहे हैं। ये दुकानें हैं, ये भी दिखने लगी हैं। तो अभी चल रहे हैं हम आगे को। तो नैनीताल में जो शाम का मौसम रहता है बहुत ही सुहाना रहता है। और तो यहाँ पर कुछ मोजे हो गए जो हाथ से बुने जाते हैं, बनियान आदि, वो भी बेचे जा रहे हैं। और हमारा जो भांजा और भांजी हैं, तो इनकी इच्छा है कि आज हम यहाँ पर मोमो खाएं। तो क्या खाना चाह रहे? मोमो। तो ये मान नहीं रहे, इन्होंने मोमोज खिलाने पड़ेंगे, बहुत जरूरी कि जरूर खिलाएंगे। अब आए हैं तो बच्चों की इच्छा होती है, तो ये भी बहुत जरूरी है कि ये खिला दे, कैंडी खिला दे ये वाला। नहीं, ये सही है, सस्ता है। तो ये मान नहीं रहे, तो ये तो इनकी इच्छा है, कर नहीं रही। ये कह रहे हैं कि मोमोज ही खाएंगे, तो खिलाएंगे भी। बड़ा शेर दिख गया यहाँ पर, तो जिसे देख के वैसे डर लग रहा। तो इतने एक से एक विशाल का जो इधर क्या है, शेर है, बस शेरी समझ लो। इतना बड़ा कुत्ता, बाप रे, हमने तो आज पहली बार देखा। तो नैनीताल में घूमने में भी डर लग रही ऐसे। तो और भी यहाँ का फेमस क्या क्या है फिर? ऐसा फेमस मॉल रोड है जहाँ पर आप अभी घूम रहे हैं। अच्छा, और फिर है कुछ व्यूज के कुछ पॉइंट्स है जहाँ से काफी प्यारे व्यूज आते हैं, दिख सकते हैं आप, जैसे चाइना पीक। अच्छा, तो इस समय इसमें व्यू दिखेंगे जा सकते हैं? अभी नहीं दिखेंगे, अभी तो मिल सकता है, तो खतरा लेपर्ड का खतरा है। तो घूम लेते हैं, अभी मॉल रोड घूमते हैं। ठीक है, तो आज आजकल सैलानी लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ। अच्छा, और हमारे पहाड़ में इस समय ना हम घर के अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ घूमने में लेपर्ड आके हमसे कहेंगे कि कम, तो उनसे भी खतरा बना जाता है। तो पर यहाँ पे आप आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि खतरा कुछ नहीं है। फोर्ट का खास स्थान है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ यहाँ क्या क्या और प्रसिद्ध है? यहाँ पे दिल्ली की चाट फेमस है। दिल्ली की चाट? अच्छा, ये वाली दुकान में? हाँ, यहाँ पे आगे भी है। अच्छा, दिल्ली की चाट, मशहूर चाट की दुकान है। और इधर गूगल से दिख रहे हैं, तो ये कहाँ के फेमस है? नैनीताल के? नैनीताल के। तो आज अच्छा ही लग रहा है नैनीताल घूमने में। कान्हा ही
जो नैनीताल में टूरिस्ट घूमते हैं शाम को कितने बजे तक इनका वो रहता है चहल पहल जो बनी रहती है? 10 बजे 10:30 11। अच्छा शाम को 11:30 11। अच्छा 11:30 बजे तक। देखिए हर जगह यहाँ पर बच्चे कुछ कैंडी बेच रहे हैं। और अभी हम कहाँ तक जाएंगे, तुम्हारे वो मोमो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे हमें भोटिया मार्केट में जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे भोटिया मार्केट में, तो वहाँ की जो मोमो है वो बड़े ही फेमस है ना, तो ये ले जा रहे हैं आज, बहुत ज्यादा चलना भी हो जाएगा हमारा। सो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं बोट हाउस क्लब नैनीताल मल्लीताल के समीप, और अब हम जाएंगे भोटिया मार्केट की ओर। तो जो यहाँ भीड़ रहती है वो सैटरडे और संडे को बहुत ज़्यादा रहती है, तो अभी आने वाले ये कम है लेकिन हम रहे तो बहुत सारी लग रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं, ये देखिए इस ओर तो चहल पहल बनी हुई है, तो हर ओर कोई ना कोई कुछ ना कुछ सामान खरीद रहा है। तो ये वाली मार्केट का नाम क्या कहते हैं, इस मार्केट का नाम नैना देवी मार्केट? हाँ, तो अभी हमारी भांजी को भी अभी समझ नहीं आया कि ये देखो। नहीं वो मैं देख रही थी ना। अच्छा थोड़ा टाइम बाद आई इस पॉइंट पे, तो तो नैनीताल की कुछ अपनी अलग ही पहचान है। तो जो यहाँ चहल पहल रहती है ये बोटिंग करने के लिए, और नैनीताल जो है ठंडी जगह गर्मियों में बहुत ही आनंद और शीतलता प्रदान करने वाला है। चलते चलते हमें बहुत समय हो गया है, अभी 5 मिनट की दूरी और रहेगी तो मोमो वाली दुकान में पहुंचने में। जैसे ही नैनीताल में कभी बारिश शुरू होती है तो फिर यहाँ की जो खुशी का ठिकाना है वो थोड़ा कम हो जाता है ना, तो कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है, लेकिन इस समय तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। तो आज हमारी भांजी ने मेरे को पूरा नैनीताल दिखा दिया है, ऐसा लग रहा है कि मैं कौन सी जगह आ गया है मेरे को अभी समझ में नहीं आ रही है। तो अब जाएंगे कहाँ से? यहाँ से पीछे। ये अच्छा, ये नैना देवी मंदिर होते हुए। हाँ तो बहुत ही आनंद आ गया यहाँ घूमने में, तो माँ नैना देवी मंदिर के समीप। और तो अभी हम बहुत आगे निकल गए हैं, और ये बच्चे कह रहे हैं पहले हम मोमो खाएंगे उसके बाद और जगह चलेंगे, तो अभी इन्होंने हमें ज्यादा घूमने भी नहीं दिया। तो इधर ही मिलेगा। तो भांजी की जो इच्छा है कि यहाँ हम मोमो खाएंगे तो इनको मोमो खिला दे, तो यहाँ बहुत से सैलानी बैठे हुए हैं, तो यहाँ के मोमो जो है बहुत ही फेमस है। यही वाली दुकान है? नहीं है, आगे वाली। तो अभी हम जा रहे हैं तो सामने वाली ये वाली दुकान है, लेते हैं मोमो का आनंद यहाँ बच्चों के साथ। क्या लग रहा मोमोज की दुकान में तो बड़ी लंबी भीड़ लगी हुई है, तो यहाँ नंबर लगता लग रहा, टोकन सिस्टम तो नहीं इनका? अच्छा अभी टोकन सिस्टम नहीं है, तो अभी लेके आते हैं। वो लाइन पे लगे हुए हो गया है 15 मिनट, तो अभी भी उनका नंबर नहीं आया है, तो देखते हैं कितनी देर में वो अपने लिए मोमो लेके आते हैं। तो सामने खड़े हैं, और बच्चों की भी मोमोज के प्रति तमंग मोमोज खाएंगे, तो अभी नंबर नहीं आया उनका। आ गया, और ये धीरू लेके आ गया है, धीरू ले आए, तो बहुत इंतजार किया यार आपने, बैठ जाओ वहाँ पर, बैठ के हम नहीं खाएंगे उधर, बैठ जाओ, हम खाने वाले नहीं है, तो इनको इतना पसंद है मोमो, आगे रख ले आराम से, तमंगू ये खुश है। फिर स्वाद बता दे यार, स्वाद तो बताना ही, क्या बनाएगा? स्वाद बनाएगा। तो अभी एक और भांजी लेके आ गई है, अरे भांजी बहुत बहुत इंतजार करना पड़ा लग रहा। अच्छा तमंग मोमोज तो फेमस है एकदम। तो ये देखिए कितने जोरदार मोमोज हैं यार, ये मोमोज है ये, बाप रे ये भांजी हुई कुछ, अरे तू तो बता नंबर वन है। और क्या खाओगे इसके बाद बता दो अभी। आइसक्रीम? हाँ ठीक है, चले जाएंगे। हाँ आइसक्रीम घर को ले जाएंगे या यहीं खाएंगे? घर को ले जाएंगे, घर को ठीक है, तो घर को आइसक्रीम ले जाएंगे। तो हमारे बच्चे जो हैं ये मोमो बहुत पसंद करते हैं, और इनको रोटी और चावल पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है ना,
ना। हाँ हाँ खाओ दोस्तों ये चीज, और घर में एक रोटी खाने में नखरे हैं तुम्हारे, तो ऐसे क्या होगा? बेइज्जती क्या, मैं बता रहा हूँ घर में भी खाया करो। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। हमसे सीखो, हम भात भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, खूब खाते हैं, और मोमोज नहीं खाते, मोमोज नहीं खाते, बस इतनी ही वो है। धीरू और धीरू को इस समय मिर्ची भी नहीं लग रही, नहीं लग रही ना जी, ना अभी नहीं लग रही। और घर में थोड़ी सी नमक तेज हो जाए तो हल्ला घर 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 को सर पे उठा लेता है। और देखिए यहाँ नैना देवी के मंदिर के समीप बहुत सारे श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। चहल पहल बनी हुई है और सामने देखिए कितना सुंदर सामने का व्यू आ रहा। तो ये सामने ये कौन सा वो है सामने? ये है स्नो व्यू पार्क। अच्छा स्नो व्यू, बहुत ही अच्छा नजारा आ रहा है यहाँ से। ऐसा लग रहा फोन सही चल रहा तो वीडियो बन गई जी। हाँ ना ठीक है, सभी लोग कैमरा यूज कर ही रहे, आनंद आने वाला हुआ। कुछ कुछ याद है, सजो ही जा रही है, क्यों तो बहुत आनंद आ गया यहाँ आके। तो अभी कुछ पार्टी और की जाए, और लेकिन सामने का व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है। अच्छा तो बच्चों को लगी अभी मोमो खा के बहुत ज्यादा मिर्ची, तो अब फिर ये मान नहीं रहे कि अब इनको यहाँ पर हम क्या क्या खाओगे, सॉफ्टी आइसक्रीम कौन वाली। चलो चलो आगे देखते हैं। तो अब इनकी इच्छाओं का सम्मान हमें करना बहुत जरूरी है। तो कौन सा वाला खाना चाह रहे हो देखो फिर। तो बच्चे यहाँ पर पहुँच गए हैं, कौन सा वाला खाओगे? कुल्फी तो नहीं। तो कौन सा पसंद किया? केसर पिस्ता। पिस्ता, तो केसर पिस्ता तैयार होने लग गया है ये। तो ये मोमो खाने के बाद मिर्च लग गई, ठीक है। तो अब ये सॉफ्टी खा लेते हैं, सभी लोग कैसा लग रहा है तो बताओ, बनवास का भी आनंद लेते हैं। तो बच्चे हो गए हैं खुश यहाँ, और कुछ और खाओगे? अभी देखते हैं, पहले बताते रहो। आज 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 ही ना, फिर मैं कल जा रहा हूँ दिल्ली को, फिर मत कहना कि मैं हमें नहीं खिलाया। अभी पहले इसे खाते हैं, फिर देखते हैं क्या पसंद आता है। तो दोस्तों आज थोड़ा वजन भी तोल लेते हैं यहाँ पर। कितने में तोलने पूछा? तो कितने में तोल रहे हो वजन? 5 रुपए में। चलो तोल लेते हैं, इसका भी वजन आएगा। खा लो पहले। तो अभी वजन भी तोल लिया है, और वजन ठीक ही है ना, ज्यादा नहीं है, तो एकदम फिट वजन है। अच्छा चाइना पीक किस ओर है? सामने चाइना पीक है, और इस ओर अच्छा, और ये सामने वो हो गया। अच्छा स्नो व्यू है। अच्छा रोप, अच्छा वो है रोप वे। तो बिन्नी ये है क्या? ये है वॉल बनाई है क्लाइंबिंग के लिए। अच्छा वॉल बनी है। अच्छा ऊपर चढ़ेंगे ये? कूदना हुआ इसमें? नहीं नहीं चढ़ेंगे। अच्छा पहाड़ चढ़ना? अरे मैं क्या, मैंने कहा कूदने वाला है कुछ, ये भी अब आज हम तो अपने पहाड़ चढ़ने वाले हुए ना, हमें क्या पता है क्या बने। चलो बहुत अच्छी जानकारी दी हमारी भांजी ने, क्लाइंबिंग बना है तो इसमें। अच्छा प्लेन्स वाले आएंगे तो इसमें चढ़ेंगे हम पहाड़ चढ़े, और उसी इसके पैसे भी देने पड़ेंगे उन्हें। चलो ठीक है बहुत अच्छा। ये रोड जो बंद होती है 5 बजे से बंद होती है, 6 बजे से जो वाहन होते हैं, और 8 बजे बाद 8 बजे बाद ये खुल जाती है। तो अभी इसमें ट्रैफिक चालू हो गया है, और अब हम घर की ओर जाते हैं, और अभी बच्चों के लिए कुछ और लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो क्या और लेना है कुछ ये बताओ। तो बच्चे कह रहे हैं कि जो सॉफ्टी खाई उसमें उतना आनंद नहीं आया। आइसक्रीम दूसरी वाली, अभी आइसक्रीम लेनी है इनके लिए। फिर यहाँ पर भी कुछ ये
वो लाइटिंग क्या है, क्या है? ये है बच्चों के खिलौने। अच्छा बच्चों के खिलौने, तो तुम्हें चाहिए? नहीं अब हमारी उम्र बढ़ चुकी है। अच्छा ये बताते रहो, मैंने कहा क्या पता किसी की इच्छाएं होती है नहीं, तो कुछ ये लॉकेट वॉकेट ऐसे टाइम में नहीं। तो जहाँ पर भी देखो कोई ना कोई पूछने में है कि आपको होटल चाहिए, होटल की तो हमें जरूरत नहीं, हमारे पास यहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी है, तो सैलानियों के लिए ठीक है, हमारा तो यहाँ घर ही है। तो इस समय धीरज की चाल भी कुछ तेज लग रही है क्योंकि इसने आइसक्रीम जो खाए तो उसके बाद ही एकदम फुर्ती में आ गया है, एनर्जी मिल गई एनर्जी। जैसी सोची चॉकलेट वाली आइसक्रीम ले लिए और पैसा खर्च कर दिया हमारे भांजे ने, तो आज तो खर्च करने में भांजे ही आगे, तो भांजे कह रहा है कि अब हमने पैसा खर्च नहीं करना है, नहीं करना है। तो घर के रास्ते की ओर जा रहे हैं और भांजे ने आज बहुत पैसा खर्च कर दिया अभी। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर और यहाँ हमारी छोटी दीदी यहाँ पर बैठी हुई है, तो आज नैनीताल घूमने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारी अभी बड़ी दीदी से मिलाते हैं। और ये है हमारी बड़ी दीदी मेरी, और अभी हम वो लाए हैं क्या आइसक्रीम, तो आइसक्रीम आपको नहीं खिलाएंगे यार, शुगर उगर वाला उनको हो नहीं, वो यार शुगर वाला खाते हैं मिनी ठीक है, हम लाए अपने लिए तेले ते उसे के नमकीन बिस्कुट खा दे। तो दोस्तों हमारी दीदी का मन नहीं माना, उसने कहा मैं आइसक्रीम खा के रहूंगी, अरे कम खाए यार नहीं खाए ज्यादा। तो यहाँ पर देखो अपने हाथों से ही आइसक्रीम का डब्बा काट रही है और अब अभी खा जाएगी, अकेले ही पूरा लग रहा है मेरे को। बिन्नी मम्मी को कम देना है ठीक है, ज्यादा मम्मी खाएगी ऐसा ही लग रहा है मुझे। चलो धीरू मैं कुछ नहीं कह सकता है, मम्मी वैसी है, माँ ताई भी वैसी है, सही। तो इन दोनों को समझाने कोई फायदा नहीं, दोनों बहनें एक जैसी हैं। दोनों तो बहनों को नहीं समझाया जा सकता है, तो अभी अभी दूसरी बहन को आइसक्रीम। और ये देखो दूसरी बहन का भी मन नहीं माना, वो भी पहुंच गई वहां पर, तो अभी दोनों जने अकेले, अरे कम खाया हमको देर जाए तुम हार जा, तो अब थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेंगे। तो कटोरे कितने हैं? पांच। तो कटोरे आए हैं पांच, तो दीदी नहीं खा दे, नाराज होकर चली गई लग रहा है मेरे को, जाने दो। अरे तूने खा ली थी? ये बड़ा कटोरा तो नहीं ला दे। लेकिन अभी सब हो रहा ना यार, रोटी पका लेगी दीदी, गई रोटी पका, अरे वो अपने लिए भी कटोरा ले आए यार, तो तूने हार मत दी, ज्यादा नहीं खाया। तो बिन्नी आप बांट रही है अब, ये गुड मेले नहीं लाई वो, ऐसी हमारी मांझी है। अरे ना ना मैं नहीं खा रहा हूँ, आप काले 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 आपके लिए ला रही थी, मेले लाई थी तो? ला बिल्ला, तो बहुत जब मैंने हल्ला किया तब मेरे को इसने आइसक्रीम दी, वहां देखो तो वहां देखो डब्बा पकड़ रखा है, अरे यहाँ देखा तो डब्बा देखो, हाँ कौन खा रहा डब्बे में, मम्मी तो वहाँ दो दो बहने आपस में नोकझोंक होने लगी, वैसे ये खाने लग गए जादू, वहाँ